सुनाओ, देखते हैं कुछ नई भक्ति मूवमेंट। यहाँ पे मिडिल हिस्ट्री में समय सबसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है सिख मूवमेंट। तो देखते हैं सिख मूवमेंट को डिटेल में। हम सबको पता है सिख मूवमेंट में 10 गुरु आते हैं, तो जो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक, उनके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, वॉज बोर्न इन तलवंडी नियर लाहौर। याद रखना है तलवंडी को आज नानकाना साहिब के तौर पर जाना जाता है, जो पाकिस्तान पंजाब में आया हुआ है। एग्जैक्टली गुरु नानक की बर्थडे 29 नवंबर 1469 है, जो कार्तिक पूनम को मनाई जाती है। इसलिए उनकी जो बर्थडे होती है वो हमारी दिवाली के बाद ही आती रहती है, जो कार्तिक पूनम आती है वो, राइट। गुरु नानक रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड प्रीच्ड द न्यू आइडियाज ऑफ गॉड एज द सुप्रीम यूनिवर्सल ऑल पावरफुल ट्रुथफुल फॉर्मलेस फियरलेस विदाउट हेट सेल्फ एग्जिस्टेंट एवरलास्टिंग क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स द एटर्नल एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। ही डिनाउंस्ड कास्ट डिस्टिंक्शन एंड रिचुअल्स लाइक बाथिंग इन हॉली रिवर्स, प्रमोटेड इक्वालिटी एंड ऑल ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग वुमेन। तो ये सब कुछ आपको याद रखना, ये जो भक्ति में उनका मेन थीम यही था कि इक्वालिटी प्रमोट करनी है, वीमेन्स को प्रोपोगेट करना है, आगे बढ़ाना है, ठीक है, और कास्ट डिस्टिंक्शन को डिनाउंस करना, यही सब भक्ति मूवमेंट का मेन एम था। ही आर्ग्यूड दैट कास्ट एंड ऑनर शुड बी जज्ड बाय एक्ट्स और द डीड्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गुरु नानक जो मानते थे कि कोई इंसान को जज करना है तो उनके काम से करो, ना कि उनकी जाति कौन सी है उसके बेस पे उनको डिसाइड करो। एग्जैक्टली उनका सिखिज्म का ओरिजिन कब हुआ था वो एग्जैक्टली पता नहीं चलता है, बट ऐसा माना जाता है कि जब गुरु नानक 36 साल के थे तब वो हर रोज अपनी रूटीन की तरह एक नदी में स्नान करने के लिए गए थे। बट वो एक बार जब गए थे इस तरीके से तो 3 दिन तक वो दिखे नहीं थे। जब चौथे दिन बाहर आए थे तब उनके विचार ही कुछ अलग हो गए थे, उनमें एक अलग ही तेज दिख रहा था। और आते ही उन्होंने बोला था कि देर आर नो हिंदूज एंड नो मुस्लिम्स, और उस तरीके से उन्होंने अपने विचार को प्रपोगेट करके सिखिज्म की स्थापना की थी। सो सिखिज्म के लिए उन्होंने 3 पिलर्स बनाए हैं गुरु नानक जी ने, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट नाम जपो, दैट इज मेडिटेशन ऑन गॉड एंड रिसाइटिंग एंड चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, और गॉड को नाम दिया है वाहे गुरु। सेकेंड किरात करो, टू ऑनेस्टली अर्न विथ हार्डवर्क, मतलब कर्म करते जाना, हार्डवर्क करना बाई वंस फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट वाइल एक्सेप्टिंग गॉड्स गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग। एंड थर्ड इज वंद चको, शेयर एंड कंज्यूम टूगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वंद चको लाइक सर्विस टू पीपल, शेयर एंड कंज्यूम टूगेदर, सबकी सेवा करनी। सो दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म, नाम जपो, किरात करो एंड वंद चको। ही रेप्यूडिएटेड आइडल वर्शिप, मतलब ही रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड डिड नॉट फेवर पिलग्रिमेज, नॉर डिड ही एक्सेप्ट द थियरी ऑफ इनकार्नेशन, ही कंडेम फॉर्मलाइजेशन एंड रिचुअलिज्म। तो पूरा जो वैदिक कल्चर था उससे पूरे अगेंस्ट में गुरु नानक की ये सिखिज्म थी, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर और कम्युनिटी किचन। सो इसको हम बोल सकते थे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वंद चको, कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर, जहाँ पे एक बड़ा सा किचन रहता है, वहाँ पे खाना बनाया जाता है, सबको एक साथ खाना जाता है, हजारों की संख्या में लोग खाने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें पता है गोल्डन टेम्पल, जहाँ पे ये लंगर किया जाता है, राइट। सो इस तरीके से गुरु नानक की जो सिखिज्म है उनको हम बोल सकते हैं निर्गुणा भक्ति और निरंकारी भक्ति, लाइक एट्रीब्यूटलेस एंड फॉर्मलेस, राइट। गुरु नानक की डेथ हुई थी करतारपुर में 1539 में। जब उनकी डेथ हुई थी तब उन्होंने अपने शिष्य लहना को गुरु के पद पे नियुक्त किया था। तो उसके बाद जो गुरु नानक के बाद जो गुरु बनते हैं वो होते हैं गुरु अंगद देव, जिसको हमने बोला अभी भाई लहना, ठीक है। सो उनके लिए 2-3 पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे पास। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि पंजाबी लैंग्वेज में गुरुमुखी स्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले जो थे वो भाई लहना थे, गुरु अंगद देव थे। ही एस्टैब्लिश न्यू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन द बेस ऑफ सिखिज्म एंड ओपन मैनी न्यू स्कूल्स। सो उस तरीके से जिन्होंने गुरु नानक ने जो लंगर को इंट्रोड्यूस किया था उसको पॉपुलराइज करने का और उसको एक्सपांड करने का काम भी गुरु अंगद देव ने किया था। ही ऑल्सो स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ मल्ल अखाड़ा फॉर फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। गुरु अंगद देव के बाद जो गुरु आए थे थर्ड वो थे गुरु अमरदास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु अमरदास जी, उन्होंने लैंगर को रिफॉर्म किया था, उनको ज्यादा इंपोर्टेंस दिया था, उन्होंने रूल भी बनाया था अगर किसी को भी गुरु को मिलना है तो सबसे पहले उनको लंगर लेना पड़ेगा। इसीलिए याद रखना है कि उस टाइम पे जो मुगल बादशाह थे अकबर ने भी गुरु अमरदास को मिलने के लिए लंगर में हिस्सा लिया था, लोगों के साथ जमीन पर बैठ के उन्होंने खाना खाया था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही प्रीच्ड अगेंस्ट द हिंदू सोसाइटी सती सिस्टम, एडवोकेटेड विडो रीमैरिज एंड आस्क्ड द वुमन टू डिस्कार्ड द पर्दा। He also asked Akbar to remove the toll tax pilgrim tax for non-Muslims while crossing Yamuna and Ganga river. ये थे गुरु अमरदास।
गुरु अमरदास के बाद जो चौथे गुरु आए थे वो थे गुरु रामदास। गुरु रामदास भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उन्होंने चार स्टैंजा बनाए थे आनंद करज। आनंद करज इज अ डिस्टिंग मैरिज कोड फॉर सिख सेपरेट फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स एंड ट्रेडिशनल हिंदू वैदिक सिस्टम। ही हैड अ वेरी कोडियल रिलेशन विद अकबर एंड अकबर ने उनको जमीन भी दी थी जहां पे बाद में हम देखेंगे हरमंदिर साहिब बनता है, गोल्डन टेम्पल। ठीक है, इंटरेस्टिंगली फर्स्ट ब्रिक ऑफ हरमंदिर साहिब वॉज लेड डन बाई हाजी मिलान मीर, अ मुस्लिम था वो। सो गुरु रामदास लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रामदासपुर विच इज नाउ कॉल्ड अमृतसर। तो अमृतसर बनाने का श्रेय जाता है गुरु रामदास को, और राम गुरु और अमृतसर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। गुरु रामदास ने सुपरस्टिशन, कास्ट सिस्टम, पिलग्रिमेज वगैरह को स्ट्रांगली डिक्रीट किया था। ठीक है, वो सब लोगों को हम पता ही है, भक्ति में उनका मेन एम यही था। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट गुरु, फिफ्थ गुरु, गुरु अर्जुन देव। ही कंपाइल द आदि ग्रंथ, सबसे इंपॉर्टेंट था गुरु ग्रंथ साहिब जो आज सिखिज्म का मेन सोर्स माना जाता है। ठीक है, एंड इंस्टॉल्ड इट एट श्री हरमंदिर साहिब। और श्री हरमंदिर साहिब क्या है, तो वही गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर जो बनाया गया था गुरु रामदास ने, वहां पे एक सरोवर पे के पास गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था, गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया था, और वहां पे आदि ग्रंथ एस्टेब्लिश किया था। गुरु आगे वाले आगे के जो गुरु थे उनके जो थॉट्स हैं उनको कंपाइल करके आदि ग्रंथ को वहां पे एस्टेब्लिश किया था। सो इन दिस वे ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अमृतसर, तारन एंड करतारपुर। He was executed by Jahangir for helping his rebellious son Khusru and was thus hailed by the first martyr of Sikh religion and as Shaheed-e-Sartaj. Unko title diya gaya Shaheed-e-Sartaj ka. Hua tha ki 16th century mein Sikh ka jo popularity wo bahut badh chuki thi. So Jahangir ne Arjun Dev ko pakadne ka aadesh diya tha. Saath mein unke paas Jahangir ka dusra jan bhi tha. Khusru Khan ko Guru Arjun Dev ne shrey diya hua tha. गुरु अर्जुन देव को लाहौर में बुलाया गया, उसके बाद उन्होंने उनको बंदी बनाया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी थी। पहले तो उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने को फोर्सफुली बुलाया गया, जब उन्होंने नहीं माना तब उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो इन दिस वे गुरु अर्जुन देव बिकेम दी फर्स्ट मार्टिर ऑफ द सिख रिलीजन एंड इन दिस वे इज ट्रेड एज दी शहीद दे सरताज। तो एक याद रखना है। सो मेन है सिक्स्थ गुरु, गुरु हरगोविंद राय। हमें पता है अभी कि गुरु अर्जुन देव की हत्या हो गई थी, तो अभी तक जो सिख रिलीजन जो अभी तक शांत बैठा हुआ था वो भी यहाँ पे खुखार बन जाता है बिकॉज ऑफ गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद हैज द लॉन्गेस्ट टेन्यूरस गुरु। ही ट्रांसफॉर्म सिख्स इनटू अ मिलिट्री कम्युनिटी एंड एस्टैब्लिश द अकाल तख्त एंड फोर्टिफाइड अमृतसर। तो उस तरीके से उन्होंने अमृतसर को फोर्टिफाइड किया था, एक मिलिट्री कम्युनिटी को, एक मिलिटेंट कम्युनिटी को ट्रांसफॉर्म किया था सिख को, एस्टैब्लिश अकाल तख्त। अकाल तख्त क्या है, आप गोल्डन टेम्पल अगर आप मैप देखोगे उसमें मंदिर के एग्जिट पीछे आपको एक अकाल तख्त दिया जाएगा, वहां पे गुरु और उनके जो शिष्य वहां पे विराजमान होते थे। ही वेज वॉर्स अगेंस्ट रूलर्स जहांगीर एंड शाहजहां एंड डिफीटेड अ मुगल आर्मी एट संग्राम। ही टुक द टाइटल ऑफ सच्चा पातशाह, शिफ्टेड हिज हेडक्वार्टर टू करतारपुर। ही वॉज अ प्रोप्राइटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मीरी एंड पीरी, दैट इज कीपिंग टू नाइव्स। उनके बाद आता है सेवेंथ गुरु, गुरु हर राय। He gave shelter to Yara Shikoh. Yara Shikoh was brother of Aurangzeb, right? And thus was persecuted by Aurangzeb. Aurangzeb ने उसको अपमानित किया था and framed charges of anti-Islamic blasphemy against the Guru and the Guru Granth Sahib. Guru Har Rai के बाद उनका उनको बेटा Guru Har Kishan. He was forcefully summoned to Delhi, the imperial capital of Aurangzeb, under framed charges. उनकी डेथ हो चुकी थी Guru Har Gobind Rai की, तो Guru Har Kishan को बुलाया गया था, but माना जाता है कि उनकी 8 साल में ही डेथ हो चुकी ड्यू टू स्मॉल पॉक्स, इसलिए ज्यादा उनके बारे में हमें देखना नहीं है। नाउ आते हैं नाइन्थ गुरु, गुरु तेग बहादुर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु तेग बहादुर भी। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब ने आगे वाले दो गुरु थे उनको बहुत हैरेस किया था, बट फाइनली गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया जाता है औरंगजेब के द्वारा एंड वॉज बी हेडेड बिफोर द पब्लिक इन दिल्ली चांदनी चौक इन 1675। 1675 में हुआ था यह कि औरंगजेब ने दिल्ली में उनको बंदी के तौर पे ले आए थे और उनको इस्लाम में कन्वर्ट करने को बोला था। उनको ऑप्शन दिए गए थे, या तो ये कुछ इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए, अगर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना है और उनको अपने गुरु पे वाहे गुरु पे इतना ही भरोसा है तो कोई चमत्कार करके दिखाए। जब उन्होंने सब कुछ करने से मना किया तब उनको रेड फुट के पास उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। द सीसगंज साहिब गुरुद्वारा स्टैंड्स एट द साइट ऑफ द मार्टिरडम टुडे। ही अपॉइंटेड बंदा बहादुर एज द मिलिट्री लीडर ऑफ द सिक्स। और हमें पता है बंदा बहादुर 1708 के बाद एक इम्पोर्टेंट लीडर के तौर पे आ जाते हैं सिख में।
ही वाज क्रेडिटेड विद स्प्रेड सिखिज्म टू बिहार एंड असम। बिहार और असम में सिखिज्म को स्प्रेड करने का श्रेय गुरु तेग बहादुर को जाता है। एंड द लास्ट एंड द फाइनल गुरु, गुरु गोविंद सिंह। सो लास्ट सिख गुरु इन ह्यूमन फॉर्म हु पास द गुरुशिप ऑफ सिख्स टू द गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहाँ से गुरुशिप बंद हो जाती है और गुरु ग्रंथ साहिब को ही नहीं आध्यात्मिक केंद्र का अंतिम बिंदु माना जाता है। He died of complications from steps one inflicted by Afghan, believed to have been sent by Mughal governor Wazir Khan. So, Wazir Khan के द्वारा कुछ अफगान्स को भेजा गया था। उन्होंने जब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह पर अटैक किए थे, बट गुरु गोविंद सिंह वहाँ से बच चुके थे, बट उनके कारण जो उनको घाव लगे थे उनके कारण उनकी डेथ होती है। गुरु गोविंद सिंह वॉज बोर्न इन पटना एंड ऑर्गेनाइज द सिक्स एज कम्युनिटी एट वॉरियर्स एंड कॉल देम खालसा। तो 1699 में औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने सिखिज्म में ही एक वॉरियर कम्युनिटी स्टार्ट की थी, जिनको जिन्होंने उन्होंने नाम दिया था खालसा। सो टू क्रिएट सेंस ऑफ यूनिटी अमंग सिख, गुरु स्टार्टेड सम प्रैक्टिसेस विच वर टू बी फॉलोड बाय सिक्स, पर्टिकुलरली फॉर द खालसा कम्युनिटी। ही सिलेक्टेड 5 पर्सन नोन एज द पंच प्यारे एंड रिक्वेस्टेड देम टू एडमिनिस्टर द पहुल टू हिम। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ 5 केस। वो 5 केस क्या क्या है? एक है केश, कंघा, कड़ा, कृपान एंड कछेरा। तो जो भी ये खालसा को फॉलो करते हैं उनको ये 5 ट्रेडिशन को ऑब्वियसली फॉलो करना है, कंपल्सरी फॉलो करना है। अपने बाल नहीं काटने हैं, अपने का हमेशा कंघा रखना है, हाथ में एक आयरन और स्टील का ब्रेसलेट पहनना है, स्वॉर्ड रखना है, दैट इज कृपान रखना है, और शॉर्ट ड्रीच पहनना है, कच्छा बोलते हैं उसको, ठीक है। ही कंपाइल द सुप्रीमेटरी ग्रंथ ऑफ दिसवन पातशाह का ग्रंथ। सो गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा उन्होंने एक सप्लीमेंट्री ग्रंथ बनाया था जिसका नाम था देशवन पातशाह का ग्रंथ। सो ये है हमारा सिख मूवमेंट, जो कुछ स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी के एंड में और 17th 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक रहे।